अरुणा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुणा नमस्कार, गुप्ता जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत आपको बहुत देखकर, आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही है और इस बहुत बहुत आभार। निर्बाध चलने वाले काव्य पटल पर आपका स्वागत। नरेश चंद्र जोशी जी का आभार, हम सब मिल रहे हैं, हम सब नए नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपसे स्वागत करते हुए आपके बारे में इतना ही कहूंगी कि आप यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी विदुषी महिला हैं और यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे काम किए हैं, देश विदेश में आपके इतने आलेख प्रकाशित हुए हैं और आपने जो शोध प्रबंध, संपादन, अनुवाद इंग्लिश टू हिंदी, बहुत सारे साहित्य की सेवा आपने की है और मुझे आपके साथ रूबरू होते हुए बड़ा ही सौभाग्यशाली पल महसूस हो रहा है कि मैं आपके समक्ष हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपनी रचनाओं से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका मौसमी जी। मैं इस महायज्ञ में आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हरीश जी का, नरेश जी का, पूनम जी का, नीता जी का बहुत बहुत आभार। और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और भांति भांति की विभिन्न प्रकार की कविताएं सुनने के लिए मिली, इसके लिए आगे भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले माँ भगवती को नमन करते हुए आज के संदर्भ में मैं उन भगवती माँ से, उन दुर्गा माँ से कुछ सवाल कर रही हूँ जो मुझे बार बार मेरे मन को परेशान करता है। तुम आद्या भी और आद्रा भी, तुम आद्या भी और आद्रा भी, चंडी भी कामाख्या भी, चंडी भी कामाख्या भी, और भी रूप है तुम्हारे माँ, और भी रूप है तुम्हारे माँ, पूजते तुम्हें नौ रूपों में, पूजते तुम्हें नौ रूपों में, पर क्यों कन्या रूप में, पर सजीव कन्या रूप में भीगता नहीं मन हमारा, उसी तरह जैसे कि विभोर हो उठते हम मूरत में तुम्हारी पत्थर के, जैसे कि हम विभोर हो उठते मूरत में तुम्हारी पत्थर के, नहीं चाहिए हमें मूर्तियाँ, नहीं चाहिए हमें मूर्तियां, ये पत्थर की हार मास की देवी कन्या हमारे घर आंगन में, हार मास की ये देवी कन्या, कन्या को जिसे हम देवी मानते हैं, हार मास की देवी कन्या हमारे घर आंगन में बेधड़क हो घूमेंगी भीतर बाहर, जब शायद पूजा होगी अर्थवान नवरात्र की, शायद पूजा होगी अर्थवान नवरात्र की तभी। इसीलिए मेरे मन में ये भाव उठता है बार बार हर नवरात्र में, छोड़ दो ये पूजा अर्चना, छोड़ दो ये पूजा अर्चना सारे आडंबर, बदलो मन अपने लाडलों का, बदलो मन अपने लाडलों का, पहरेदारी से कुछ नहीं होगा, पहरेदारी से कुछ नहीं होगा, राक्षस तो वेश बदल बदल कर आ जाते हैं, राक्षस तो वेश बदल बदल कर आ जाते हैं, दुर्गा जो जीत सके उनको ऐसा चाहिए मन, दुर्गा जो जीत सके उनको चाहिए ऐसा मन, इसलिए इस दुर्गम किले को जीतने के लिए हमें चाहिए मन बदलने की भावना, चाहिए मन बदलने की भावना। तो त्योहारों के इस अवसर पर मैंने, नवरात्र आ रहे हैं और अब आगे इन त्योहारों के समय आप जानते हैं दशहरा भी है, दिवाली भी है, और मन में बहुत से सवाल उठते हैं, संस्कारों ने हमें इन त्योहारों को मनाने की जो परंपरा दी है लेकिन इसके पीछे जो तर्क थे वो हमें किसी ने नहीं बताए। तो अभी करवा चौथ पर भी मैंने, हम लोग व्रत करते हैं पति की मंगल कामना उनकी आयु के लिए, लेकिन बार बार सवाल उठता है कि क्या सचमुच हम उस सती सावित्री वाली बात को हम दोहरा पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक अपने शब्द इस प्रकार लिखे हैं, अपनी माँ से पूछते हुए, तुमने तो बांधा था अपने संस्कारों से और कुछ परंपराओं से माँ, तुमने तो बांधा था अपने संस्कारों से और कुछ परंपराओं से माँ, पर क्या करूं मैं उनका, पर क्या करूं मैं उनका, अब धर्म संकट सा बना रहता है, धर्म संकट सा बना रहता है, हर कदम कैसे निभाऊं घिरा है मन सवालों से, कैसे निभाऊं घिरा है मन सवालों से, सच बताना क्या तुम भी जानती थी, सच बताना क्या तुम भी जानती थी कुछ राज उनके पीछे का,
कुछ राज उनके पीछे का, या फिर चला आ रहा सिलसिला निभाया था तुमने भी, या फिर चला आता सिलसिला निभाया था तुमने भी, जो भी था पर आज चाहिए हमें जवाब उनका, जो भी था पर आज चाहिए हमें जवाब उनका। और भरोसा है मुझे, और भरोसा है मुझे छिपा होगा कोई गहरा राज, भरोसा है मुझे छिपा होगा कोई गहरा राज जो शायद खो गया था भाग दौड़ में जिंदगी के, जो शायद खो गया था भाग दौड़ में जिंदगी के। पर बताना तो होगा ही, पर बताना तो होगा ही, जब पूछता है मेरा नाती, जब बच्चे पूछते हैं, जब पूछता है मेरा नाती सारा दिन भूखा रहकर अगर हो सकती है पति की उम्र लंबी, सारा दिन भूखा रहकर अगर हो सकती है पति की उम्र लंबी, तो माँ तेरे लिए भी मैं आज सारा दिन रहूंगा भूखा, तेरे लिए भी माँ मैं आज सारा दिन रहूंगा भूखा। शायद अस्पताल में जो कहा था उस नर्स ने, शायद अस्पताल में जो कहा था उस नर्स ने, हो जाए झूठा और तेरी भी उम्र बढ़ जाए, और उम्र तेरी भी बढ़ जाए, और फिर बन जाए एक और त्योहार, और फिर बन जाए एक और त्योहार, और मनाया जाए उसे माँ तेरे नाम से, और मनाया जाए माँ उसे तेरे नाम से। तो हम इन परंपराओं को हमें बदलना होगा, नहीं तो इनके पीछे के अर्थ और तर्क हमें ढूंढने होंगे। बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति हम आज अपने समाज में महिलाओं की, स्त्री की देख रहे हैं, और नाम को हम आज़ाद हैं लेकिन घर और बाहर के बीच जूझती हुई, घर और बाहर के बीच जूझती हुई ये स्त्रियां, ये नारियां कितने घुटन महसूस कर रही हैं, धरती के एक रूपक के माध्यम से मैंने उसे प्रस्तुत किया है। धरती की तरह अपनी ही धुरी पर, धरती की तरह अपनी ही धुरी पर 365 दिन घूमती औरत, धरती की तरह अपनी ही धुरी पर 365 दिन घूमती औरत कहीं भी नहीं पहुंचती, कहीं भी नहीं पहुंचती, कुछ भी नहीं अपना, कुछ भी नहीं अपना, दिन और रात भी देन है चांद सूरज की, दिन और रात भी देन है चांद सूरज की, आंचल में उसके सिमटी हैं अनगिनत धूप छां, आंचल में उसके सिमटी हैं अनगिनत धूप छां, न जाने कितने भूचाल, न जाने कितने भूचाल, बर्फ सी सर्द आहें, बर्फ सी सर्द आहें, तूफानी दिन, तूफानी दिन, चिलचिलाती धूप सी गर्म तपिश, चिलचिलाती धूप सी गर्म तपिश, पर बरसात की आस में अकोरे रही वो अपनी ममता के सारे अंकुर, पर बरसात की आस में अकोरे रही वो अपनी ममता के सारे अंकुर, शायद कभी तो आएगा वह पल, शायद कभी तो आएगा वह पल जब पिघलेगी बर्फ, जब पिघलेगी बर्फ और फूट निकलेंगे पहचान के नव अंकुर, और फूट निकलेंगे पहचान के नव अंकुर। तो मेरी आवाज़ आ रही है क्या यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, मैं जानना चाहती हूँ मेरी आवाज़ आ रही है। जी क्या मेरी आवाज आ रही है स्क्रीन पर? जी आगे पढ़ूं क्या मैं मौसमी जी? जी मैं पढ़ सकती हूं क्या? जी पढ़िए। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है मैडम, आ रही है, आ रही है मैडम आपकी आवाज, आप पढ़िए प्लीज। हेलो आ रही है मैडम आपकी आवाज, आप पढ़िए। जी जी मैं आगे बढ़ती हूँ। आज के समय में नारी की इस स्थिति को, नारी की इस स्थिति को जी पढ़िए, आवाज आ रही है आपकी। जी अगली कविता में हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम सब पूजा करते हैं, लेकिन सीता की स्थिति क्या थी उसके, उसे लेकर
मैंने अपनी पंक्तियों में उस भाव को अभिव्यक्त किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता तो जब भी केवल तुम्हारी ही थी अनुगामनी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता तो जब भी थी केवल तुम्हारी अनुगामनी, सहचारिणी बनी नहीं कभी। लक्ष्मण रेखा भी तुम्ही ने थी खींची, फिर भी ले ली थी अग्नि परीक्षा तक। दोष इतना ही था उसका कि अपने लिए नहीं लांगी थी रेखा उसने, कि अपने लिए नहीं लांगी थी रेखा उसने। नहीं जानती थी कि उसका संस्कारी मन नहीं पहचान पाएगा साधु वेशधारी छली को। हमारे सबके संस्कार ऐसे होते हैं कि दरवाजे पर कोई भी आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने प्रति किए इस छल को वह भोग रही है आज भी। युग युग से सीता ही तो है आज भी। परीक्षा दे रही लगातार, और जब जब उसने की कोशिश जरा भी आगे चलने की, राम से फिर तो खींच दी गई रेखाएं बार बार। परीक्षा भी ली गई कतरे गए पर भी पुरुष के अहम को लगी ठेस को सहलाती रही जब तक निभता रहा साथ तब तक। ईगो बड़ी है पुरुष की, और जब बारी आई खुद के लिए जीने की तो आज भी समा जाना पड़ता है उसे धरती में। अरे परंपराओं में पले बड़े आज के तथाकथित मर्यादा पुरुष, पीड़ा तुम्हारी समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि अब तुम नहीं बना सकते अनुगामनी मुझे, नहीं खींच सकते कोई लक्ष्मण रेखा। रोकना मुश्किल है बढ़ते कदमों को, क्योंकि अब सहलाया नहीं जाता तुम्हारे छटपटाते अहम को, क्योंकि अब सहलाया नहीं जाता तुम्हारे छटपटाते अहम को। अब नारी खुशामद नहीं करती है, जाने अनजाने भी ऐसा करते, दुख हमें भी होता है कुछ कुछ, पर करें क्या, जीने का मकसद तो चाहिए हमें भी। तो नारी की ये पीड़ा, जीने का मकसद तो चाहिए। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी आपने, और शानदार सीता के माध्यम से शानदार समसामयिक की परिस्थितियों को आपने उजागर किया। बहुत सुंदर, आदरणीय। धन्यवाद। आज हम ये स्वाद चख चुके हैं कि खुली हवा क्या होती है। उसी को मैंने एक कुछ और पंक्तियों में, खुली हवा का चख लेने पर स्वाद, कैद में पड़ी बुलबुल टकराती रही पंख तीलियों से। विवशता देखिए, कैद में पड़ी बुलबुल टकराती रही पंख तीलियों से, घायल थी पर निराश नहीं। आज की औरत निराश नहीं है, घायल है। उम्मीद टिकी है दुनिया, उसकी आशाएं बंधी हुई है, सपने हैं। अजूबा कुछ भी हो सकता है। राह तो बनाई जा सकती है। सेंध लग सकती है दीवारों में भी। पल दो पल ही सही। घायल पंख जा सकते नहीं बहुत दूर, पर सोच तो पहुंच जाती है, पर कल्पना तो कर सकते हैं, सपने तो देखते हैं। रोज रोज ही बड़ी दूर, उसी उड़ान में खुशबू पाई है सांसों ने। बनाए हैं कई घरौंदे, कई सपने बुने हैं, संजोए हैं नए सपने। रंगों भरी दुनिया मेरी अपनी बाहों में। रास्ता बनाने की कोशिश जारी है बीच में तीलियों के।
बीच में तीलियों के कैद में भी कोशिश जारी है। शायद आ जाए एक दिन कोई जल जला, शायद आ जाए एक दिन कोई जल जला, इसी उम्मीद में आज की नारी आगे बढ़ रही है। आज की नारी आगे बढ़कर ये देख रही है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज की नारी का बहुत सुंदर चित्रण किया, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। मन में मेरे बराबर इसी तरह के बहुत सारे सवाल उलझते रहे हैं, मुझे उलझाते रहे हैं, और एक मकड़ी का सा जाला मेरे मन में इन सवालों को लेकर हमेशा बनता रहा है। उसी मकड़ जाले की अभिव्यक्ति, मकड़ जाले से उलझते सवाल, मकड़ जाले से उलझते सवाल, तलाशते अर्थ, अभी भी तलाश रही हूँ, तलाशते अर्थ जिंदगी का, यूं तो लगते बेमानी से, पर बढ़ती बेचैनी को संभाले कैसे, रोज रोज नए मायने जो भरने लगते हैं, हर दिन एक नया सवाल मुंह बाए आगे खड़ा हो जाता है, क्या करें कैसे करें नहीं समझ पाते। और उसी सवालों को हम जब अपने मन में इतना बांध लेते हैं तो हम तलाशते तो हैं, और तलाशना ही नहीं है हमें, हमें तराशना भी है, अपने मन में समझना है, तराशना भी है, तलाश ही नहीं तराशना भी होगा खुद को, अपने अंदर से निकलेंगे जवाब भी, तलाश ही नहीं तराशना भी होगा खुद को, मन की कसक और भीगे सुरों से लेनी होगी सीख, पीड़ा ही हमें रास्ता दिखाती है, मन की कसक और भीगे सुरों से लेनी होगी सीख, धरती और आसमां के मिलन की करनी है अगर परख, धरती और आसमां के मिलन की करनी है अगर परख, तो क्षितिज पर बिखरे रंगों के जानने होंगे भेद, कुदरत से हमें सीखना है, तो क्षितिज पर निखरे रंगों के जानने होंगे भेद, निराकार को आकार में ढालना कतई सहज नहीं, निराकार को आकार में ढालना कतई सहज नहीं, क्या बात, सहज क्या नहीं बात। है और कहाँ मिल सकता है, धन्यवाद, उत्तर कहाँ मिल सकता है, हमें अपने लिए नहीं, जब जब हम अंधेरा निराशा में चलते हैं तो हमें अपने लिए नहीं, कुछ सूरज उगाने हैं अपने लिए नहीं, और मेरे कविता संग्रह का शीर्षक भी यही होगा, यही है, उगाना होगा अपना अपना सूरज, उसी से जुड़ी ये रचना पढ़ रही हूँ। कुहासा तो घना है छाया पर उगाना होगा हमें अपना अपना सूरज, उगाना होगा हमें अपना अपना सूरज, ऐसा सूरज जो एक नहीं दे सके प्रकाश कई उपग्रहों को साथ साथ, सबको प्रकाश दे सके, जो एक नहीं दे सके प्रकाश कई उपग्रहों को साथ साथ, भर दे उनमें जीवन और खुद भी बन जाए पथ प्रदर्शक, कल हमारा होगा रोशन तभी अंधेरे को छांटने वाला सूरज उगेगा जिस दिन भी। और ये प्रकृति से हमें दिशा मिलती है, खासतौर से समुद्र की लहरें जब हमें उठती गिरती दिखाई देती है, हमारे मन में भी उसी तरह से संगीत जन्म लेता है, उसी भाव को संगीत और राग कैसे जन्म लेते हैं, ये एक दिन में उसी संगीत बद सुर को सुन रही थी, उसी राग को सुन रही थी, तो मन में कल्पना जगी कि लहरों से उठता संगीत झंझना देता जब मन के तार, लहरों से उठता संगीत जब झंझना देता मन के तार, गूंज उठती अनायास सुरों की झनकार, मदमाती लहर जैसे बल खाती लहराती उठती गिरती डोलती, मदमाती लहर जैसे बल खाती लहराती उठती गिरती डोलती, समंदर की छाती पर और समा जाती उसी में, वैसे ही सुरों की तान छेड़ती हृतंत्री को, इठलाती कुलबुलाती रग रग में समाती, उठ उठरी लघु लघु लहर लहर, प्रसाद ने कहा है, उछलाती कुलबुलाती रग रग में समाती, बेचैन हो उठती छेड़ देती कोई राग नया, और बन जाती एक ऐसी धुन, तभी
एक धुन का जन्म होता है और बन जाती है एक ऐसी धुन, बांध लेती जो तन मन को, बांध लेती जो तन मन को, सुध बुध खो मिला देती उस ब्रह्मानंद परमानंद से। यही परमानंद है, ब्रह्मानंद से, परमानंद से डुबा जाती रस के उस अनंत सागर में, डुबा जाती रस के उस अनंत सागर में, पहुंच जा हो जाते सब, पहुंच जा हो जाते सब एकाकार, पहुंच जा हो जाते सब एकाकार एकाकार। तो ये मैंने कुछ अपने मन की बेचैनी को अभिव्यक्त किया और अब आगे मैं मुड़ती हूँ एक ऐसे विषय की ओर। बेचैनी, बेचैनी में आपने ब्रह्मानंद से परमानंद तक पहुंचा दिया मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। उस परमानंद के बिना कहीं चैन नहीं है, चैन नहीं है। ये चारों तरफ जो हमारे एक ऐसे विषय को मैंने छुआ है, इसका मैंने अनुभव भी किया, बहुत लोग उसका अनुभव कर रहे हैं दुनिया भर में। एक बहुत भयावह बीमारी कैंसर की, जो पूरी दुनिया को अपने में ग्रसे हुए एक विषैला जहर है जो सबको भीतर ही भीतर साल रहा है, उसे मैंने कालिया नाग के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया। अच्छा, अच्छा, बहुत सुंदर प्रतिमान, बहुत सटीक प्रतिमान दिया। जी, ये प्रतीक है, देह की इस श्यामल जमुना में, देह की इस श्यामल जमुना में न जाने कब और कैसे घुस जाता है ये कैंसर का कालिया नाग। देह की इस श्यामल जमुना में न जाने कब और कैसे घुस जाता है ये कैंसर का कालिया नाग, और करने लगता है फन फैलाए घोर नर्तन, और करने लगता है फन फैलाए घोर नर्तन, पता नहीं किसकी ताल पर करता है तांडव। ऐसा शरीर में खलबली मच जाती है, जीवन में खलबली मच जाती है, पता नहीं किसकी ताल पर करता है तांडव। अरे काना, अरे काना, क्या सुन नहीं रहे तुम, अरे काना, क्या सुन नहीं पा रहे तुम अपने गोप ग्वालों की पुकार। हे प्रभु, क्या तुम इस धरती के लोगों की पुकार नहीं सुन पा रहे। अरे काना, क्या सुन नहीं पा रहे तुम अपने गोप ग्वालों की पुकार। अब तो आकर खेल लो एक बार, अब तो आकर खेल लो फिर एक बार इस आंगन में अपने संगियों के साथ वही अपना पुराना खेल। अब तो आकर खेल लो इस आंगन में अपने संगियों के साथ वही पुराना खेल। एक बार पहुंचा दो, एक बार फिर से पहुंचा दो अपनी जादुई गेंद, एक बार फिर से पहुंचा दो अपनी जादुई गेंद इस श्यामा देह में, इस श्यामा देह में, उस जमुना नदी में जैसे तुमने गेंद पहुंचाई थी, इस श्यामा देह में उस गेंद को एक बार पहुंचा दो, निकाल कर कर दो बाहर इस जहरीले नाग को। ये जो कालिया नाग उसमें बसा हुआ है, कैंसर का कालिया नाग, ये काना तुम्हें निकाल सकते हो, निकाल कर कर दो बाहर इस जहरीले नाग को। फन पर बैठ नृत्य करने की ताकत, फन पर बैठ नृत्य करने की ताकत है केवल तुम्हें में। ऐसी विवश स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है कि प्रभु के अलावा उसके पास उसकी कोई रास्ता नहीं रह जाता। फन पर बैठ नृत्य करने की ताकत है केवल तुम्हें में, कर दो फिर एक बार इस श्यामल जग को, कर दो फिर एक बार इस श्यामल जग को जहर से आजाद, कर दो फिर इस श्याम जग को जहर से आजाद। विवश ताक रहे सभी तुम्हें, विवश ताक रहे सभी तुम्हें, हार चुका ये जीव, हार चुका ये जीव, आसरा है तुम्हें, आसरा है तुम्हें। तो प्रभु के आसरे में ही कैंसर का मरीज, ये मेरा अपना भोगा हुआ सत्य है, और उसी भोगे हुए सत्य को, उसी पीड़ा को मैंने लगातार भोगा है, उसी की मैंने यहाँ पर चर्चा यहाँ पर की। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको उकेरा है, और बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। धन्यवाद। और आप एक और रचना सुना सकती हैं? जी जी, अब बस उस रचना के साथ मैं बस एक बात ये कहूंगी कि कोविड में भी आज हम इसी तरह से जूझ रहे हैं, और इस समय में ये सब हमारा ही किया धरा है। तो मैं एक रचना युवा मन के लिए आपके सामने पेश कर रही हूँ। लिखी तो मैंने अपनी पोती जब 16 साल की हो रही थी, वो उसके लिए लिखी थी, लेकिन जब मैंने अपने कॉलेज के छात्राओं को सुनाई, उन्होंने कहा मैम
ये हमारे मन के भाव हैं। हमारे वयस संधि की दहलीज पर खड़ी मेरी नन्ही कली, वयस संधि की दहलीज पर खड़ी मेरी नन्ही कली, जब देखती हूँ बार बार डबडबाती छलकती तेरी आंखों में तैरती तस्वीरें हजार। नए सपने बुनते हैं 16 साल के बच्चे, बार बार डबडबाती छलकती तेरी आंखों में तैरती तस्वीरें हजार, बहुत कुछ एक साथ करने की ललक, बहुत कुछ एक साथ करने की ललक, वक्त की दौड़ को पीछे छोड़ने का तनाव, वक्त की दौड़ते जा रहे हैं बच्चे, वक्त की दौड़ को पीछे छोड़ने का तनाव, हसरतें अपनी भी पूरी करने की लालसा, हसरतें अपनी भी पूरी करने की लालसा, सबके बीच जूझती तुझे फिर से कैसे छिपा लूं आंचल में अपने, बचपन कहाँ से ले आऊं तेरा, फिर से कैसे छिपा लूं आंचल में अपने, मेरी लाडो इस अंधी दौड़ में, मेरी लाडो इस अंधी दौड़ में, आ लग जा गले कुछ देर बतियाते हैं, और लग जा गले कुछ देर बतियाते हैं, अपनी जवानी के किस्से तुझे सुनाते हैं, अपनी जवानी के किस्से तुझे सुनाते हैं, बीती बातें बता तुझे कुछ, बीती बातें बता कुछ, हंसते हैं और तुझे हंसाते हैं, और फिर इन यादों के बहाने तेरी उम्र में लौट जाते हैं, और फिर इन यादों के बहाने तेरी उम्र में लौट जाते हैं, उमंगों के सैलाब में हम भी फिर से डुबकी लगाते हैं, उमंगों के सैलाब में हम फिर से डुबकी लगाते हैं। तो ये युवा मन के लिए एक छोटी सी रचना थी, और अंत में मैं अपने मित्रों के लिए, ख़ास तौर पे हरीश जी के लिए, ख़ास तौर पे मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, उसके साथ मैं अपना ये काव्य पाठ समाप्त करूँगी। बरस दर बरस, बरस दरस दर बरस, छलकता है उम्र का प्याला, 7 दशक पार कर चुकी हूँ मैं भी, बरस दर बरस छलकता है उम्र का प्याला, कुछ कुछ बिखरता सा, कुछ कुछ बिखरता सा, पर हम उस छलकते जाम को टकराते, अपनों के बीच झूम उठते हैं, हम उस उम्र के जाम को टकराते, अपनों के बीच झूम उठते हैं, उछा से दोस्तों के बीच, सबके प्यार से लबालब ये प्याला, दोस्तों के प्यार से लबालब ये प्याला, शायद यूं ही छलकता रहेगा, इसलिए बसंत कितने भी बीते, बसंत कितने भी बीते, महक यूं ही बरकरार रहेगी, शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का, दोस्तों का शुक्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और अभी ये पटल आपको सुनकर और पटल पर आपके आना, ये हम सभी का सौभाग्य है मैम, धन्यवाद धन्यवाद।